कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कुछ नया बताने वाली हूँ कि अगर आपको कुछ पढ़ा हुआ नहीं याद रहता, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। देखो स्टूडेंट्स, हमारा माइंड एक ऐसी चीज़ है, जितनी चीज़ें आप इसमें डालते हो, आप वो क्या करता है, वो अंदर लेता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि हर स्टूडेंट का जो ग्रेस्पिंग पावर होता है, या हर स्टूडेंट की जो अंडरस्टैंडिंग पावर होती है, या हर स्टूडेंट की माइंड की जो कैपेसिटी होती है, वो डिफरेंट होती है। ठीक है, कोई होता है जो जल्दी से पढ़ लेता है या जल्दी स्टडी हो जाती है, किसी को टाइम लगता है। तो ऐसे बहुत सारे वेरियस चीज़ें हैं जो यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर जो बच्चे को चीज़ें याद नहीं होती है, तो बेसिकली वो नेचुरल है, इसमें कोई भी डरने की बात नहीं है। अगर आपने गजनी को देखा होगा, तो गजनी मूवी से हमें ये सीखने मिलता है कि, या गजनी का एग्जांपल दूँ मैं आपको, तो गजनी मूवी में आपने देखा होगा कि उसे जो उसे चीज़ें एक घंटे तक याद रहती थी। याद कैसे करता, अपने बॉडी पर उस चीज़ों को लिख लिया था, अब उसको चीज़ें याद रहती थी। तो इस चीज़ से हमें क्या सीखना चाहिए स्टूडेंट्स, कि अगर कोई भी चीज़ हम भूल जाते हैं, देखो स्टूडेंट, पहली बात यह है कि जो भूलना है वो हमारा ईश्वर का बहुत अच्छा वरदान है, जिसके लिए हमें एवरीडे थैंक यू बोलना चाहिए। क्योंकि अगर हम भूल ना जाए किसी चीज़ को, तो हमारे लाइफ एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल, तो हमारे लाइफ का एक बहुत बड़ा ट्रूथ है, जो हमारे फैमिली का एक कोई मेंबर मर जाता है, ठीक है, डेथ हो जाती है। जैसे कोई हस्बैंड है कि उसकी वाइफ का डेथ हो गई, या कोई माँ है उसके बच्चे का डेथ हो गई, तो एक टाइम के बाद वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे भूलने लगती है और लाइफ में मूव ऑन करना स्टार्ट कर देती है। तो कुछ चीज़ों के लिए भूल जाना बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन अगर स्टूडेंट पे ये बात आती है, तो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो एग्ज़ाम में पढ़ी हुई चीज़ें भूल जाते हैं, उन्हें याद नहीं रहती है। तो उस टाइम पर वो क्या करें? देखो स्टूडेंट, सबसे पहले चीज़ तो ये है कि जो आपके माइंड में कचरा भरा हुआ है, उस कचरे को आपको निकाल कर फेंकना पड़ेगा। कचरा मतलब क्या? नेगेटिविटी हो गई, या किसी चीज़ को लेकर बहुत सारे आपके रॉन्ग एक्सेप्शंस हो गए, या आपके रॉन्ग अजम्पशंस हो गए किसी चीज़ को लेकर, या आप किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे स्टिक हो, वो रॉन्ग है। तो राइट अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले तो नेगेटिविटी जो है वो अपने माइंड में से निकाल कर फेंक कर आपको पॉजिटिविटी डालनी है। अगर सपोज़ आप एक बार एग्ज़ाम में फेल भी हो जाते हैं, तो आपको बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है, आपको फिर से पढ़ाई करनी है और फिर से अपना बेस्ट देना है। ठीक है, तो हम लोग टॉपिक पे बात करते हैं कि अगर आप कोई भी चीज़ भूल जाती है, उसे पढ़ना क्या है। तो मैंने आपको गजनी का एग्ज़ाम्पल दिया, जब गजनी एक घंटे बाद दो घंटे बाद चीज़ें भूल जाया था, तो अपने टी शर्ट निकाल के आईने में देख कर जो चीज़ें उसके बॉडी पर लिखी हुई होती थी, उससे वो समझ जाता था कि मैं ये इंसान हूँ, मैं यहाँ काम करता हूँ, मेरा घर यहाँ पर है। वैसे ही स्टूडेंट, आपको ये सीखना चाहिए कि आप जो पढ़ते हैं, जो याद करते हैं, उसे इमीडिएटली लिखिए। ये सबसे गोल्डन ट्रिक है। अगर आप ये चीज़ करते हैं, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। अब आप डेली बेसिस पे देखो, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। रिवीजन एक तीन तरीके का होता है। पहला रिवीजन जो होता है वो डेली बेसिस पे होता है, दूसरा जो रिवीजन जो होता है वो वीकली बेसिस पे होता है, और जो थर्ड रिवीजन होता है वो मंथली बेसिस पे होता है। इसमें सबसे मेन इम्पॉर्टेंट अगर मैं टॉपिक की बात करूँ, तो अपने माइंड में वही चीज़ें, देखो माइंड का साइकोलॉजी ऐसा है, हमारा माइंड वही चीज़ें याद रखता है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, और जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो माइंड से मेमोरी को निकाल कर फेंक देता है। जैसे मैं एग्जांपल दूँ, तो आजकल के रोमियो जो जिनकी गर्लफ्रेंड है या जिसका बॉयफ्रेंड है, वो एक टाइम के बाद क्या करते हैं, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, जी नहीं सकता, लेकिन एक टाइम के बाद क्या होता है, वो भूल जाते हैं, फिर से लाइफ में मूव ऑन हो जाते हैं। तो बेसिकली आपको देखो, सबसे पहले चीज़ ये है कि आपको लिख कर पढ़ना है, सबसे बहुत अच्छी चीज़ है ये, बहुत ही बेस्ट तरीका है। दूसरी चीज़, अगर आपको बिल्कुल कोई चीज़ याद नहीं होती है, तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर पढ़ो। ब्रह्म मुहूर्त 4 से 6 के बीच में होता है। अगर आप उस टाइम पे पढ़ते हैं, तो आपको कोई भी पढ़ी हुई चीज़ कभी भी नहीं आपके माइंड से इरेज होगी। ठीक है,
और अगर आप एग्ज़ाम में जाते हैं, एग्ज़ाम में भी आपके माइंड से कोई भी चीज़ स्लिप हो जा रही है, बच्चों का सबसे बड़ा डर ये होता है कि कल एग्ज़ाम है और मेरी प्रिपरेशन हुई है, फिर भी बच्चे डरते रहते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, एग्ज़ाम कैसा जाएगा मेरा। तो बच्चों बिल्कुल भी डरना नहीं है। अगर आपसे एग्ज़ाम में कोई चीज़ें मिस हो जाती हो, वो नेचुरल है, कोई बात नहीं। कोई बच्चे, कुछ बच्चे जैसे अभी कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मैं जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठी रहती थी तो मुझे याद नहीं आता, जैसे मैंने पेपर देके बाहर निकले तो मुझे सब याद आएगा। तो ये सब चीज़ें होना नॉर्मल है, बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपना बेस्ट देना है और आपका एक मंत्र आपको फॉलो करके चलना है कि आपको लिख कर एवरीडे प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है। एंड यस, सबसे प्लस जो चीज़ें हैं, अगर आप किसी गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आप उसको कोरिलेट कर कर पढ़ो, आप उसको प्रैक्टिकल चीज़ों से रिलेट कर कर पढ़ोगे, अंडरस्टैंड समझ कर पढ़ोगे तो वो आपके लिए पढ़ने में ज़्यादा यूज़फुल होगा। और अगर आपको आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं और आपको याद नहीं हो रहा, उसके लिए आपके पास ये ट्रिक है कि आपको कोई उसका शॉर्टकट बनाओ जो हमेशा आपको आपके माइंड में आपको याद रहे। तो ये सारी चीज़ें आप करोगे तो आपको क्या होगा, आपको उसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो बिल्कुल भी डरना नहीं है, आपको अपना एग्ज़ाम देना है, अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है। और जो स्पेशली जो 12th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से कि वो डेली एक क्वेश्चन लिख कर पढ़े। एक क्वेश्चन लिखे, लिखने से क्या होता है स्टूडेंट्स, आपकी जो ग्रेस्पिंग पावर, आपकी मेमोरी जो है, आपको वो चीज़ें पढ़ने के लिए पहले बात तो इम्प्रूवमेंट लाती है, याद लाने के लिए फोर्स डालती है और आपको वो चीज़ें याद रहती हैं। ठीक है, तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे और ढेर सारे लोग को मेरा ये वीडियो शेयर करेंगे, शायद किसी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। यस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।